हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई रेसिपी लेके आया हूँ और ये रेसिपी है मावा तिल और गुड़ की। तो ये काफ़ी पौष्टिक रेसिपी है और ख़ासकर हमने स्पेशल संक्रांत के लिए इसको बनाया है और एकदम न्यू रेसिपी है। और ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट भी है ना। और इसमें ना प्योर आपको गुड़ की मिठास मिलेगी और तिल्ली और साथ में मावे का भी टेस्ट मिलेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये 400 ग्राम हमने तिल लिया है फ्रेश। तो गैस को हमने ऑन कर दिया है, स्लो गैस में आपको तिल भूनना है। ये देखिए अच्छा वाला तिल है और तिल भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, 5 से 6 मिनट में आसानी से तिल भूने जाते हैं। और आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि तिल भूज गया? तो तिल आवाज़ भी करते हैं, यानी कि चटकने लगते हैं ये। अभी चेक किया, अभी हमारे तिल हुए नहीं हैं, थोड़ा सा और सेकेंगे। और अभी हमने गैस को बंद कर दिया है। ये देखिए तिल का कलर भी चेंज हो गया है और इसको हम फोड़ के देखेंगे तो ये फूल जाते हैं ना तो तुरंत टूटने लगते हैं। ये देखिए बहुत ही खस्ता हो जाते हैं भूनने के बाद। तो इसको हम एक बर्तन में निकाल देंगे और हम एक ही कढ़ाई का उपयोग करेंगे। उसके बाद ये हमने 500 ग्राम फीका मावा लिया है, यानी कि फीका खोया। तो इसको हम झारे से घिस लेंगे। आप खमनी से भी कद्दूकस कर सकते हैं, जो भी आपके पास सेवा हो। और आपको घर पे बनाना है तो कम क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में कम का माप दे दूंगा। और ये डालेंगे हम 200 ग्राम देसी घी। घी को आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, बाद में ये थोड़ा बहुत घी इसमें से निकल जाएगा। ये मावा हम इसी में डाल देंगे और इसे हमें सेकना है, यानी कि इसको भी भूनना है। और इसको भी हमें जब तक भूनना है, जब तक कि ये घी पीने के बाद, ये हमने जितना घी डाला पहले तो ये सब अपने अंदर समेट लेगा। उसके बाद जब अच्छे से भुन जाएगा तो ये धीरे धीरे घी को छोड़ने लगेगा। यानी कि आपको 10 से 12 मिनट तक आराम से सेकना है। ये देखिए अभी इसने सारा घी छोड़ दिया है, पहले सारा घी पी लिया था, अब सारा घी छोड़ दिया है। तो मावा बहुत ही अच्छे से सेके गया है हमारा। तो यहाँ हमने गैस को बंद कर दिया है। ये देखिए काफ़ी सारा घी छोड़ दिया है ना। तो इसे हम झारे पे डाल देंगे ताकि घी नीचे निकल जाए और हमारा जो खोया है भुना हुआ वो झारे पे रहेगा, यानी कि ये निचुड़ जाएगा पूरा। ये घी सारा आ गया और भी घी निकल जाएगा। इसको ठंडा होने देना है। ये जब तक ठंडा होगा तब तक हम क्या करेंगे, चाशनी की तैयारी करेंगे। तो ये 600 ग्राम गुड़ लिया। तो इसमें से है ना हम 200 ग्राम गुड़ निकाल देंगे। ये 800 ग्राम हमने गुड़ लिया, 300 ml पानी। गैस को हम ऑन कर देंगे। इधर हमारी चाशनी, यानी कि बारीक लेना, जारे से भी निकाल सकते हैं, वैसे भी बारीक कर सकते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए खाने में एकदम आपको है ना
नया टेस्ट मिलेगा झक्कास। ये कंप्लीट हो गया मावा। ये चाशनी भी हमें एक तार वाली चाशनी चाहिए। एक तार की चाशनी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए और ज़्यादा आपको कड़क भी नहीं करना है। और ये डाल दिया हमने घिसा हुआ मावा। और मावा डालने के बाद आपको एक से दो मिनट तक सेकना है, बस ज़्यादा नहीं। ये देखिए गैस हमने बंद कर दिया। उसके बाद हम इसमें 100 ग्राम काजू बादाम डालेंगे। आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से। उसके बाद पिसी हुई इलायची एक चम्मच और भुने हुए तिल, इसमें से थोड़े तिल आप निकाल दें डेकोरेशन के लिए। और इसे अच्छे से मिक्स करें। और जैसे जैसे ठंडा होते जाएगा वैसे हमारे थोड़ा ये जो तिल पाक है ना वो कड़क होते जाएगा। उसके बाद हमें ना इसमें एक चम्मच पिसी हुई सौंठ भी डालेंगे। इससे है ना काफ़ी टेस्ट आएंगे आपके तिलपाक में। देखिए काफ़ी ठंडा होने के बाद ये धीरे धीरे ना जमते जा रहा है, तो थोड़ा सा और ठंडा कर लेना है। ये देखिए इतना ठंडा आपको कर लेना है। अब ये ज़्यादा गर्म नहीं है, नॉर्मल गर्म है। ये देखिए आप इस तरह से गोले बना के देख लें, गोला बन रहा है, यानी कि आपकी बर्फी एकदम परफेक्ट जमेगी, इसकी बिल्कुल भी लूज भी नहीं रहेंगी और कड़क भी नहीं होंगी। ये देखिए तो इसे हम एक चौकी में डाल देंगे। और इसकी अच्छे से ना फिनिशिंग करेंगे। फिनिशिंग करने के बाद जो हमने तिल थोड़े से बचाए थे वो इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा। जितना आपको ड्राई फ्रूट डालना है अंदर डाल दें, क्योंकि हम तिल पाक बना रहे हैं तो ऊपर से भी सो भी तिल का ही होना चाहिए। ये देखिए बहुत ही बिंदास हमारी तिल पाक बनी है।
अब इसकी हम कटिंग करेंगे 3 घंटे के बाद। 3 घंटे हो चुके हैं हमारे, तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब इसकी है ना हम कटिंग करेंगे, 3 घंटे हो चुके हैं ना, तो कटिंग इसकी नॉर्मल तरीके से हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि हार्ड कटेंगे, यानी कि काफ़ी हार्ड नहीं कटेंगी, आसानी से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। और आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं, अब आपकी कमेंट का तुरंत रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि इससे पहले मुझे समय नहीं मिलता था, लेकिन अब मैं आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा। और आप इसे ज़रूर बना के देखें संक्रांति पे, आप दुकान पे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये बर्फ़ी के तौर पे खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है, और एक नई रेसिपी यानी कि एक नई स्वीट भी हो जाती है आप लोगों के लिए। ये देखिए काफ़ी आसानी से हमारे पीस निकल रहे हैं, और ये बहुत स्मूथ भी है, ये देखिए कड़क भी नहीं होगी। तो हम इसे अच्छे से एक चौकी में लगाएंगे, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्या कहते हैं। देखिए चौकी में बहुत ही अच्छे से सो रहा है, और काफ़ी दिखने में भी ये बहुत ही अच्छी लग रही है, तो आप आसानी से बना सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक और नई वीडियो में।